हाँ भाई, एग्जाम्पल नंबर 29 हमारे पास है। सब बच्चे प्लीज फिर ध्यान से देखिए, ये इस वजह से इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि मैंने आपसे कहा था कि कुछ ट्रिग्नोमेट्री में आपको अपने पास से फॉर्मूले यूज करने हैं। अपने आप सोचना है कि मुझे ये फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं है तो मैं अब क्या यूज करूँ। ठीक है, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। हमारे पास क्या एग्जाम्पल 29 में, प्रूव दैट कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई थ्री प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस पाई बाई थ्री इज इक्वल टू 3/2। तो क्वेश्चन करने से पहले आप सब बच्चे सोचिए कि कॉस स्क्वायर थीटा मुझे कहाँ मिलता है, कौन से फॉर्मूले में मिलता है। कॉस स्क्वायर थीटा, कोई ऐसा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें कॉस स्क्वायर थीटा मिलता हो। cos 2 x यस, गुड। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है कॉस 2 थीटा कह लीजिए या कॉस 2x कह लीजिए, तो मैं थीटा ही ले रहा हूँ क्योंकि थीटा यहाँ है तो थोड़ा फैमिलियर लगेगा। कॉस 2 थीटा हमारा होता है 2 cos² θ-1। अल्लाह अकबर। तो जरा यहाँ से सब बच्चे प्लीज ध्यान से कॉस स्क्वायर थीटा को अलग करने की कोशिश करो। तो अगर कॉस स्क्वायर थीटा को अलग करेंगे तो 1 इस साइड आके प्लस हो जाएगा, यस और नो। यस सर। और 2 जो होगा बेटे वो अपॉन में आ जाएगा क्योंकि 2 इधर मल्टीप्लाई में। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। कॉस स्क्वायर थीटा विल बी 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। ये सब बच्चों को समझ में आया या नहीं, बस ये बता दी। हाँ भाई, सब बच्चों को ये बात समझ में आई या नहीं आई, बस ये बता दीजिए। यस सर। आ गया। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें जहां जहां कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है वहां वहां बेटे ये रख देंगे बस, और फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह, फिर उम्मीद ये। तो ये हर क्वेश्चन में, कहीं कहीं आपके पास एनसीईआरटी के अलावा जो क्वेश्चंस आएंगे वहां पे यही प्रॉब्लम होगी कि फॉर्मूला कौन सा यूज करूं। तो जैसे हमारे पास यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ था बेटे, अगर मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, अल्लाह अकबर, अल्लाह माफ कर दे, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई थ्री एंड कॉस स्क्वायर एक्स माइनस पाई बाई थ्री। अब आप देख लो जो हमारे पास लिखा हुआ है कि कॉस स्क्वायर थीटा को या कॉस स्क्वायर एक्स को किससे रिप्लेस करना है। तो मैं पहले इसकी बात कर रहा हूँ, इस वाले कॉस स्क्वायर एक्स की। तो इसको मैंने लिख दिया 1 प्लस cos 2x/2 प्लस। अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा जो थीटा है वो एक्स प्लस पाई बाई थ्री है, एक्स प्लस पाई बाई थ्री। तो यहां भी मैं लिखूंगा 1 प्लस cos 2x, तो x की जगह आएगा x प्लस पाई बाई थ्री बाई टू। फिर मेरे पास जो है वो ये है x माइनस पाई बाई थ्री। तो मैं अगर यहां पे लिखूंगा तो मेरे पास आएगा 1 प्लस cos 2x और x की जगह आएगा x माइनस पाई बाई थ्री बाई टू। सब बच्चे बताइए ये वाला स्टेप सबको समझ में आया या नहीं। हमारे यस पास बेटे, हमारे पास क्या है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट वाले में जो हमारा थीटा है वो एक्स है तो उसका 2x हो जाएगा, 2x/2 यहाँ एक्स आएगा। सेकंड वाले में जो हमारा थीटा है वो एक्स प्लस पाई बाई थ्री है तो यहाँ 2x+π/3 आएगा। थर्ड वाले में एक्स माइनस पाई बाई थ्री है तो यहाँ एक्स माइनस पाई बाई थ्री आएगा। तो थीटा हर जगह चेंज हो रहा है, 1 प्लस cos 2 θ/2, 1 प्लस cos 2 θ/2, 1 प्लस cos 2 θ। अगर ये लाइन आपने सही प्लेस करी, ये फॉर्मूला सही करा तो आगे सॉल्व होगा, वरना तो कहानी खत्म है। अब जरा सब बच्चे प्लीज ध्यान से देखिए, क्या तीनों ही टर्म्स में मेरे पास 1/2 है या मैं ये कह दूं कि 2 को मैं कॉमन ले लूं। यस सर, कॉमन। तो अगर मैं 2 को कॉमन लूंगा बेटे तो यहाँ मेरे पास 1 है बेटे, यहाँ मेरे पास 1 है, मेरे पास यहाँ 1 है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। प्लस cos 2x प्लस
cos 2x plus 2 pi by 3 plus cos 2x minus 2 pi by 3. सब बच्चे बताइए यस और नो. यस सर. एक दो बच्चे की आवाज आ रही है, ऐसे नहीं इस काम चलेगा, पढ़ना तो सभी को है. आप अगर बोलेंगे तो आपको खुद फील होगा कि मैं क्लास में इन्वॉल्व हूँ. आपको खुद जब इन्वॉल्व होते हैं तभी मजा आता है, फिर आप सीख रहे होते हैं, वरना आप थोड़ी देर खामोश होंगे, फिर थोड़ी देर में आहिस्ता आहिस्ता सोने लगेंगे, चाहे तो बदन से सो जाएंगे नहीं तो दिमाग से तो सो ही जाएंगे. तो जागते रहिए प्लीज. आ जाओ, अब हमारे पास क्या है, अब आपको शायद फॉर्मूला याद आना शुरू हो जाएगा. क्या शुरू हो जाएगा? एक फॉर्मूला ये वाला हमने यूज किया होगा, cos a plus b plus cos a minus b. सब बच्चे cos a plus b plus cos a minus b. और मैं आप सब बच्चों को सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप सब बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री क्लास अटेंड करी है, अगर किसी की मिस हुई है तो ये वीडियो यूट्यूब से पढ़ी है, सारी सारी पढ़ी है दो दो बार, ठीक है? तो सब बच्चे प्लीज जब अगर ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन करें तो सारे फॉर्मूले शीट पे लिख लीजिए. तो जहां जहां फॉर्मूला है वहां वहां उसको देख के कर लीजिए, दो तीन बार अप्लाई करेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा. तो कॉस को अगर प्लस करते हैं तो दोनों कॉस आते हैं, है ना भाई? अगर कॉस को माइनस करते हैं तो दोनों साइन आएंगे, वो भी माइनस में. तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी टू कॉस ए कॉस बी हो जाए. सबको पता है ना ये? सी प्लस डी जी सर, इसको cos c + cos d करके भी तो सॉल्व किया जा सकता है. अदीबा आपका क्या नाम है? अदीबा. अच्छा अदीबा ही है. अच्छा बेटे मेरे, अगर आप c + d करोगे तो फिर आगे क्या लिखोगे फॉर्मूले में? 2 cos c + d / 2. तो c क्या आएगा? 2x + 2π/3. d क्या आएगा? 2x - 2π/3. उनको प्लस करोगे, डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो बचेगा क्या? yes, a ही बचेगा ना बेटे. Yes. तो फिर तो जो मैंने आपको सिखाया है, अगर लेफ्ट साइड में 2 एंगल हैं तो राइट साइड में सिंगल एंगल आएगा, अगर लेफ्ट साइड में 1 एंगल है तो राइट साइड में 2 एंगल्स आएंगे. बताया ना थोड़ा बहुत ये? Yes, sir. तो कैलकुलेशन को इजी करना है बेटे, टफ नहीं करना है. बात वही है बेटे जो आप कह रहे हो, cos c plus cos d and cos a plus b plus cos a minus b, both the formulas are same, the difference is only if left side we have 2 angle, right side 1 angle. If left side 1 angle, right side 2 angle, that's it. Otherwise value तो वही है. A plus B को C कह रहे हैं और A को C plus D by 2 कह रहे हैं. उसके अलावा कुछ नहीं है, दोनों सेम है. सिर्फ easy करने के लिए तो लिखा था. सब बच्चे देखो जरा ध्यान से, 1/2 बेटे as it is लिख रहा हूँ, 3 भी बेटे as it is लिख रहा हूँ, cos 2x भी as it is लिख रहा हूँ. Last 2 में मैंने formula apply करा है तो वो आया है 2 cos A. कोई बच्चा मुझे बताएगा A मेरा कितना है? 2x. Yes. 2x. और cos b मेरा कितना है? 2π/3. शाबाश, यानी कि कुछ कुछ समझ में आ रहा है. अब सारे बच्चे मुझे बताओ पाई बाय थ्री कितना होता है? 60 होता है. तो cos 60 2 = 120. तो cos 120 कितना हो जाएगा? cos 180 minus 60 degree cos 60. 180 माइनस 60 करेंगे तो 180 में रेशो चेंज नहीं होता है, cos 60 आएगा. फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है सर? 180 माइनस 60 फोर्थ होता है, सेकंड होता है अदीबा? 180 माइनस 60 कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड, सेकंड में cos क्या होता है? माइनस. माइनस cos 60 की वैल्यू कितनी है? -1/2. शाबाश, -1/2 वैल्यू रखो बेटे. 1/2 3 प्लस cos 2x प्लस 2 cos 2x इनटू -1/2. अब आप सब बच्चे देखिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. ये वाला जो cos 2x है माइनस का आएगा और ये वाला cos 2x है प्लस का आएगा. यस और नो? Yes, तो cos 2x cos 2x कैंसिल हो जाएगा. yes. तो फिर हमारे पास बचा क्या? सिर्फ 3/2. यही हमें चाहिए था बेटे, और कुछ नहीं बस. तो आंसर इज 3/2, दैट इज अवर राइट हैंड साइड. सब बच्चे बताओ, कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया? यस सर. यस सर. दैट्स इट. यस सर. गुड सर.